जेडीयू नेता व पूर्व विधान पार्षद आजाद गांधी ने आज से जेडीयू का दामन छोड़कर महागठबंधन का दामन पकड़ लिया है। उन्होंने प्रेस सम्मेलन में कहा कि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी दोनों ने पिछड़ा और अति पिछड़ा को लूटने का काम किया है, साथ ही साथ उनसे उनका अधिकार भी छीना है। लेकिन इस बार पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग ये दोनों सत्ता से चूर लोगों का घमंड तोड़ देंगे। तो प्रेस वार्ता का जो महत्वपूर्ण अंश है, हम लोग 2014 में काफी उम्मीद के साथ और विकसित बिहार, बढ़ता बिहार के उद्देश्य के लिए हम लोगों ने जनता दल यूनाइटेड ज्वाइन किया। प्रेस वार्ता का जो महत्वपूर्ण अंश है, हम लोग 2014 में काफी उम्मीद के साथ और विकसित बिहार, बढ़ता बिहार के उद्देश्य के लिए हम लोगों ने जनता दल यूनाइटेड ज्वाइन किया। जब हम लोग जनता दल यूनाइटेड ज्वाइन किए, जब हमने देखा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो विकास होना चाहिए बिहार में, गरीबों का, पिछड़ों का, दलितों का, वह विकास नहीं होकर करके जुल्म ढाया जाए। इस सरकार में जो गरीबों को इंसाफ मिलना चाहिए, वंचित समाज को, वह इंसाफ आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में नहीं मिला। जिस समाज की आबादी एक बहुत बड़ा जमात, अति पिछड़ा कोई एक जात नहीं है बल्कि एक बहुत बड़ा जमात है, जिसकी आबादी 40% कही जाती है बिहार में, और इस 40% आबादी को प्रलोभन देकर करके, दो तीन सीटों को देकर करके यह नीतीश कुमार सोचे कि इसको राजनीतिक गति ला देंगे, अति पिछड़ा को खुश करेंगे। हिस्सेदारी के आबादी के अनुकूल इन जातियों को हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। जब तक छोटी जाति राजनीतिक की मुख्य धारा में नहीं आएगी,